हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ इसके हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। सो पहला चीज़ तो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये भी एक टाइप का मेजरमेंट है, एक अप्रॉक्सीमेशन है कह सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने कोई प्राइस पता है किसी चीज़ का, सपोज़ किसी घर का प्राइस पता है, या किसी के पास कोई किसी व्हीकल का प्राइस पता है। सपोज़ तो हमें पता है कि हमने कोई व्हीकल लिया, सपोज़ 20,000-25,000 जो भी है, ठीक है, और हमने कोई और व्हीकल देखी कहीं पर किसी, या किसी फ्रेंड से पता लगी कि उसके पास ये व्हीकल है, इस कंपनी की है, इस कंट्री की है, तो हम पूछेंगे यार कितने प्राइस है। तो वो एग्जैक्ट प्राइस अगर जब कोई नहीं बता पाता है, तो मान लो सपोज़ उसने बोला कि यार मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, अच्छा कुछ एक आइडिया बता दो लगभग कितने का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है ऑलरेडी, उससे कंपेयर करके हम लोग उसका प्राइस बताते हैं। सपोज़ हमारे पास 20-25,000 की ऑलरेडी पहले से कोई चीज़ थी, तो उसने कहा कि हाँ लगभग जो है 1000 टाइम्स होगा, या 1000 गुना होगा, या 100 टाइम्स होगा, या 10 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग आसपास रहता है अप्रॉक्सीमेशन, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 10 की पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं सपोज 10 की पावर 2 लिखा हमने, तो वहाँ पर जो 2 है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, 10 की पावर हमने सपोज़ 5 लिख दिया, या 5 आ गया, तो 5 वहाँ पे जो है वो आपका उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपका 10 की पावर्स में होता है, और ये आपका जो है वो एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग आसपास होता है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है इससे। ठीक है, सो जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने यहाँ पे, इट गिव्स अस द वैल्यू नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू। तो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो आपके लगभग जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके जस्ट आसपास वैल्यू कुछ बता देगा आपको। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10। ठीक है, किसके टर्म में, पावर ऑफ 10 के टर्म में। इट डज नॉट टेल अस द एब्सोल्यूट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो जिस भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस क्वांटिटी का वो एब्सोल्यूट वैल्यू या कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बता नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन का। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं जो आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से पहले। तो पहला जो तरीका है वो है एक्सप्रेस द वैल्यू इन साइंटिफिक टर्म लाइक ए इंटू 10 की पावर बी। तो ये आपका मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए इंटू 10 टू द पावर बी। जैसे सपोज हमने कोई वैल्यू ली, अब इसे हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं कहीं मैथमेटिक्स में, हम लोग 5000 लिखा तो हम लोग 5000 लिख के छोड़ देते हैं, 300 लिखा तो 300 लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी इस टाइप से वैल्यू आती है तो हम लोग उसको एज इट इज़ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 540 लिखा तो 540 लिख के छोड़ देंगे। बट इन केस ऑफ फिजिक्स, या कह सकते हैं एक साइंटिफिक टर्म में अगर बोला जाए, तो साइंटिफिक टर्म में उन वैल्यूज़ को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो जब किसी वैल्यू को हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है उसको हम साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, साइंटिफिक वैल्यू बोलते हैं। वो एक तरीका होता है, एक वे है इसका लिखने का। ठीक है, तो जो साइंटिफिक टर्म को लिखने का जो मैनर है वो यही है कि ए इंटू 10 की पावर बी के टर्म में लिखा जाए। तो मतलब हमारे पास 500 रुपीज़ हैं या 500 नंबर है। ठीक है, तो 500 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 2। तो ये जो 500 था हमारा, वो हमने ए इंटू 10 टू द पावर बी में रिप्रेजेंट कर दिया उसको। ठीक है, ऐसे सपोज़ हमारे पास कोई नंबर था 200 है, 200 को हम लोग, एक तो एक तरीका था कि 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख दें 200 को, तो हम 2 इंटू 10 की पावर 2 लिखें तब भी ये साइंटिफिक टर्म को फॉलो कर रहा है, और या फिर हम 0.2 इंटू 10 की पावर 3 कर दें तब भी वो साइंटिफिक ऑर्डर टर्म होगा। तो हम लोग कैसे भी उन टर्म्स को लिख सकते हैं। अभी जैसे सपोज़ यहीं पे था 5 इंटू 10 की पावर 2 था, तो इसको हम लोग 0.5 इंटू 10 की पावर 3 भी कर सकते थे,
या 0.05 × 10⁴ कर सकते थे। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि आप वैल्यू को चाहे जैसे लिखो, बस वो वैल्यू आपकी इस तरह से इस ऑर्डर में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 10.2 ठीक है × 10³ लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यूज़ को 10⁻ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर एक वैल्यू को आप 10⁻ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा है कि 10⁻² है या 10⁻³ है, आप माइनस भी लिख सकते हो, माइनस भी सकते हो, सपोज 10⁻²² भी लिख सकते हो, माइनस भी, तो मतलब वो पावर जो है वो आपकी प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5, अगर जो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू जो है 5 से लेस है, कम है, मतलब ए 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0.5 हो, 0.3 हो, 0, मतलब 5 से लेस होनी चाहिए, 5 नहीं, 5 से लेस हो, यानी कि ए इज़ लेस देन 5, तब क्या करते हैं हम लोग, अगर तो इस वैल्यू की जगह पे, सपोज ये वैल्यू 5 से कम हो, सपोज ये यहाँ पे 5 से कम है, तो इस वैल्यू की जगह पे हम लोग 10⁻० लिखेंगे, 10⁻० लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, तो कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा। यह है, ये आपके एक फॉर्मेट है जिस जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि पहले तो हम जो जिस भी नंबर का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो उस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखो, उसके बाद फिर देखना है कि जो नंबर हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ जो ए है जिसको बोल रहे हैं, वो ए जो है वो हम देखना है कि 5 से लेस है कि नहीं है। अगर 5 से लेस है तो उस नंबर को वहाँ से हटा दो पूरा और उसकी जगह पर 10⁻० लिख दो, ठीक है, या फिर आप सिंपली 1 लिख दो, क्योंकि 10⁻० भी 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 रेज करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻० भी लिख सकते हो और सिंपली आप 1 भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻० × 10⁻ तो ये 10⁻³ तो आपका रहेगा रहेगा, सिर्फ आपका ये वैल्यू वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5, अब क्वेश्चन तो ये रेज हो गया ही कि चलो ठीक है, अगर ए की वैल्यू 5 से कम है तो हमने 10⁻० लिख दिया, इफ सपोज हमारे पास 5 से ज़्यादा वैल्यू हो तो क्या करेंगे, तो 5 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो 10⁻ लिखेंगे, तो 10⁻ लिखेंगे या फिर सिंपली 10 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और आती है, अब 5 से ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा, क्या लाख, 2 लाख, 1000 होनी चाहिए, नहीं, 5 और 10 के बीच में होनी चाहिए, या तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस लेस देन 10, मतलब 10 भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 10, ठीक है, तो मतलब 9 तक होनी चाहिए, ये 9.5 तक हो, मतलब एग्जैक्ट 10 ना हो, 10 से 0.1 कुछ कम ही रहे, तो उसको हम लोग 10⁻ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लियर हो गया, अगर ए की वैल्यू जो है लेस देन 5 है तो 10⁻० लिखिए, ठीक, और अगर वो वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा या 10 से कम हो, 5 और 10 के बीच में हो, तो हम लोग 10⁻ यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है, हमने लिया पहला 1 कि 1 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, ठीक है, तो 1, अब 1 को हम लोग बात करते हैं कि क्या हम इस टर्म में लिख सकते हैं a × 10⁻ में, ठीक है, तो 1 को हम लोग इस टर्म में लिख तो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे, 1 × 10⁻० 1 × 10⁻० लेकिन 10⁻० का मतलब क्या होता है, 10⁻० का मतलब ही होता है 1, इसलिए हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 1 × 10⁻० ले सकते हैं हम, लेकिन हम लोग वहाँ पे 10⁻० में बताया ना कि इसका मतलब मीनिंग 1 होता है, तो इसलिए हमने 1 ही ऑलरेडी मान लिया पहले ही, तो 1 जो है आपका वो ए है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, तो ये सपोज़ हमारा पहला स्टेप कम्प्लीट हो गया, चेक कर लिया हमने, ठीक है, हमने सपोज़ इसको मान लिया कि वो हमारा 1 × 10⁻० में रिप्रेजेंट है। अब ये चेक करना है कि 1 जो है हमारा किस में आएगा, ए के टर्म में आएगा, ए आएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं शो करने के लिए, 1 × 10⁻० समझाने के पर्पज़ से आपको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 × 10⁻० भी लिख सकते हैं 1 को, ठीक है, बात वही आएगी, 10⁻० मतलब 1 हो गया, 1 × 1, 1, तो बात वही आ रही, तो हमने इसको एक साइंटिफिक टर्म में, जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट स्टेप, वैसे आ गया देखो। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0,
क्लियर, आप कंपेयर कर लेंगे आराम से। अच्छा सेकंड स्टेप क्या था कि चेक करना है कि जो ए की वैल्यू है वो 5 से लेस है या फिर 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 जो है वो 5 से लेस है, मतलब 1 इज़ लेस देन 5। जब लेस देन 5 होता है तो उस वैल्यू को हटा के वहाँ पर क्या लिखा जाता है, 10 की पावर 0 लिखा जाता है। ओके तो हमने क्या कर दिया, 1 जो था इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 10 की पावर 0। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 10 की पावर 0, 1 को हटा के, और ये तो ऑलरेडी आपका 10 की पावर 0 तो आपका पहले से था तो वो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर 0, अब यहाँ देखो 10 क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 10 की पावर 0। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, 10 की पावर 0 देखो यहाँ पे लिखा है, और जो पावर होती है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। मैंने आपको जब मैंने डेफिनेशन बताई थी वही मैंने बताया था आपको कि पावर्स 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 की पावर क्या आ गया 0, तो 0 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो 1 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 0 है। क्लियर, अब जैसे हमारे पास सेकंड नंबर है 48 है, 48 को पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि साइंटिफिक ऑर्डर में लिखना है, तो इसको हम लिख देंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 1 लिख देंगे, 4.8 इंटू 10 की पावर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 4.8 हो गई। ठीक है, 4.8 हो गई, बी की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। अब ए की वैल्यू देखने की 5 से लेस है कि 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4.8 इज़ लेस देन 5, जब लेस देन 5 होता है तो हम लोग उस वैल्यू को उठा के 10 की पावर 0 लिखते हैं, तो 4.8 को उठाया और 10 की पावर 0 लिख दिया, और बाकी वैल्यू तो हमें 10 की पावर 1 थी वो एज इट इज़ लिखी हुई है 10 की पावर 0। अब यहाँ बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 10 की पावर 1 हो गया, तो पावर रेस कितनी है 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, आंसर 1 आंसर हो गया, मतलब 48 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 512 हमने लिया नंबर, 512 को साइंटिफिक टर्म में कैसे लिखेंगे, 5.12 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 5.12 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 5 होता है तब क्या लेते हैं हम लोग, 10 की पावर 1 लेते हैं, तो इस वाली वैल्यू को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर 1 लिखेंगे। तो हमने इस वैल्यू को हटाया, देखो यहाँ पर हमने 10 की पावर 1 लिख दिया, और 10 की पावर 2 आपका ऑलरेडी था तो वो ऐसे लिखा हुआ एज इट इज़। फिर यहाँ बेस सेम होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 1 3, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा, और जो पावर में क्या है यहाँ पे 3 है, 3 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, 512 का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और माइंड में आपके आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या हम लोग सब में एक, मतलब एक एक डिजिट पे पॉइंट लगा सकते हैं, कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट लगाने का क्या तरीका है। ठीक है, तो पॉइंट लगाने का ये है कि आप पॉइंट कुछ ऐसा लगाना है कि आपका वो नंबर 10 से कम रहे, वो नंबर आपका टोटल नंबर जो है वो 10 से कम रहे। अब इसमें 48 है वो तो 10 से ज़्यादा हो गया, और हमारे पास जो रूल है वो 10 से कम होना चाहिए, जो रूल हम पढ़ रहे हैं। तो अब 10 से कम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ये तो आप 0.48 लिखो या फिर आप 4.8 लिखो, सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास हैं। 0.48 लिखोगे तब भी 5 से लेस जाएगा, और 4.8 लिखोगे तब भी 5 से लेस जाएगा, आंसर आपका वही, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ 512 था, अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमारे सपोज यहाँ पे 0.512 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.512 हो जाएगा। जब 0.512 हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 3 भी तो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आ गए। ठीक है, तो 10 की पावर यहाँ 3 भी हो जाएगा फिर। ठीक है, जब 10 की पावर 3 हो जाएगा तब 0.512 क्या है, 5 से लेस, अभी तो 512 है, 5.12 तो 5 से ज़्यादा है, बट जब हम 0.512 ले लेंगे तो 5 से लेस हो जाएगा। ठीक है, और जब लेस देन होता है 10 की पावर 0 रहता है लेते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 3 रहेगा क्योंकि 0.512 लिए हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 0, 3 प्लस 0 कितना, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो तब भी आपको ऑर्डर मैग्नीट्यूड 3 ही आएगा। तो आपको बस सिंपली ये रूल अपनाना है कि 10 से बिलो नंबर होना चाहिए। ठीक है, 10 से बिलो लेना है आपको, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 1000 सपोज है, अब 1000 को हम लोग क्या कर सकते हैं,
1 × 10³ लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 × 10³ लिख दिया हमने। अब 1 क्या है यहाँ पे, लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 होता तो क्या करते हैं, 10³ लिखते हैं। तो 1 को हटाया और यहाँ पे हमने 10³ लिख दिया। देखो यहाँ पे 10³ हो गया और 10³ तो था ही आपका, तो 3 + 0 क्या हो गया, 3। पावर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 हो गया, और ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब ऐसे आपका 0.032 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.2 × 10⁻²² आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पॉइंट को जो है हम लोग इधर से शिफ्ट कर दिया, राइट साइड शिफ्ट किया है, पॉइंट को हम लोग राइट साइड शिफ्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻²² आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 3.2 जो है वो लेस देन 5 होता है, तो लेस देन के लिए 10⁻₀ यूज़ करेंगे। इस पूरे टर्म को यहाँ से हटाएंगे, 10⁻₀ लिखेंगे, आ गया 0, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 0 - 2, पावर्स ऐड का मतलब 0 प्लस और ब्रैकेट में -2, तो मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, तो -2 हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वही आपको जो तीन आपको मैंने ट्रिप्स और यह कह सकते हैं जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, फिर है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे पता है कि हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते बनाए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट करने का लेंथ का, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आपके पास होते हैं मीटर स्केल जैसी आती है, तो मीटर स्केल आपकी क्या होती है, 10⁻³ मीटर जो डिस्टेंस है वहाँ से और 10⁻² मीटर तक मेज़र करती है, जो मीटर स्केल्स होती है जो बनाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे आपका एक वंडर कैलिपर होता है, डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आप लोग क्लास 11 में इसका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो प्रैक्टिकल भी आप करेंगे। तो वंडर कैलिपर जो है उसका मेजरमेंट क्या है, 10⁻⁴ मीटर तक करता है वो। ऐसे आपका एक स्क्रू गॉज होता है और एक आपका स्फेरोमीटर भी होता है, ठीक है। ये सारे आपके प्रैक्टिकल हैं 11th क्लास में, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको आपके फिजिक्स लैब में दिख जाएंगे। तो स्क्रू गॉज है या एस्फेरोमीटर है, इससे भी हम लोग 10⁻⁵ मीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके इसमें डायरेक्ट मेथड में आते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास है एक सबसे जो फेमस मेथड है वो हमारे पास है पैरालैक्स मेथड है। तो पैरालैक्स मेथड जो है ये क्या होता है, ये सिंपली हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई हेवनली बॉडीज़ के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मतलब जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस निकालना, अर्थ से कंपेयर करना, या प्लेनेट टू प्लेनेट ही कंपेयर करना, लाइक दिस, इस टाइप से हम लोग, और या किसी के साइज़ को कंपेयर वहाँ से कैलकुलेट करना, तो इस सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम लोग पैरालैक्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसके थ्रू ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो डिटेल्ड है, जो उसके फॉर्मूला, उसका वर्किंग, वो सब क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप बस बहुत छोटा सा आपको लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है, पैरालैक्स मेथड आता है, ये किस काम आता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियर बाई स्टार और या प्लैनेट को मेज़र करने के लिए आता है उनके डिस्टेंस की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा = b/x। तो यहाँ पर ये सपोज क्या होता है, सी ये हमारे पास एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये L R दिया हुआ है, इसको हमने लेफ्ट बोल दिया, इसको हमने राइट बोल दिया, तो वो आइज़ के लिए बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका एक थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, और ये आपकी एक डिस्टेंस है, और ये आपका B जो है वो आपका आर्क लेंथ है। तो हमने बताया थीटा = L/R होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो बस वही चीज़ है आपके पास, आर्क लेंथ है, ये इसकी डिस्टेंस मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब जितना ये चीज़ ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ठीक है, सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ इस चीज़ की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ये एंगल कम होता जाएगा। जैसे कि
यहाँ पे जैसे ये एक्स है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जितनी इंक्रीज़ होगी उतना ये एंगल कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आपको कोई स्टार या प्लेनेट आप यहाँ से देख रहे हो, अर्थ से देख रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो ये कुछ आपका एंगल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये आपका मून बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा कहीं बहुत दूर, और आप यहीं पे अर्थ पे रहो, तो क्या होगा, यही एंगल आपका बहुत कम हो जाएगा। तो जितना प्लेनेट आपका अर्थ से दूर होगा, ठीक है, उतना एंगल कम हो जाएगा, और जितना प्लेनेट वो पास होगा, प्लेनेट हो या स्टार कोई हो, उतना आपका एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियर बाय स्टार्स या प्लेनेट, तो बस वही चीज़ है, जितना आपका प्लेनेट अर्थ के पास होगा उतना एंगल इंक्रीज़ कर जाएगा, और जितना आपका प्लेनेट अर्थ से दूर होगा उतना ही थीटा एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल। तो जैसे हम लोग लेंथ के मेजरमेंट के लिए कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़े हैं, तो टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कुछ सारे मेथड्स, बहुत सारे मेथड बने थे पहले। तो इसमें पहला एक है आपका सोलर क्लॉक, ठीक है। तो सोलर क्लॉक काफ़ी फेमस है, आपको शायद पता भी होगा कि ये हमारा जो है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पे बेस्ड था। इसमें क्या करते थे हम लोग, एक क्लॉक बनती थी इस किसी मेटल की, उसको बना के रखते थे, तो जैसे जैसे अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती थी, तो उसकी जो शेडो है वो शेडो चेंज होती थी टाइम टू टाइम, तो शेडो को वहाँ पे तो नंबरिंग होती थी एक प्लेट पे, तो नंबरिंग अकॉर्डिंग एक वहाँ पे डिग्रीज होती थी, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उस हिसाब से वहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से वो लोग टाइम को निकालते थे वहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो एक्यूरेसी थी उतनी अच्छी थी नहीं वहाँ पे टाइम की, सेकेंड अगर सेकेंड्स की बात करें तो वहाँ पे उतना एक्यूरेट टाइम नहीं था वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे मतलब आवर्स को, आप आवर्स वहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे कि हाँ अब 2 बज गया, अब 3 बज गया, या 3:30 हो गया, ठीक है, 3:15 हो गया, इस टाइप से बहुत ज़्यादा सेकेंड्स में आप वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जैसे आजकल हम लोग कर पा रहे हैं कि 2 आवर्स 15 मिनट्स 30 सेकेंड 32 सेकेंड 31 सेकेंड, तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। तो पहले हमारा सोलर क्लॉक था, तो वहाँ पे भी उससे भी हम लोग टाइम इंटरवल को मेजर करते थे। फिर एक हुआ हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक बनी, ये क्या था, ये इट शोज़ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पीजोइलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है उसका आप, ये होता है कि ये एक ऐसा इफेक्ट होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी मैकेनिकल कोई स्ट्रेस देंगे, चाहे प्रेशर दे दें, चाहे उसमें हम बीट कर दें, मतलब उसको मतलब कैसे भी हैमर से, या कुछ उसको मैकेनिकल कोई उस स्ट्रेन देंगे उस पर, जब हम उस शीट पे जहाँ पे आपका पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेन से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट होता है। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा दो, प्रेशर लगा दो उस ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे उससे जो एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है उसी को हम लोग पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होता है, और वो जो ईएमएफ डेवलप होता है वो एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ होता है, ठीक है, मतलब उसका जो ईएमएफ वो चेंज होता रहता है, तो ऑसिलेटिंग ईएमएफ होता है, उस ऑसिलेटिंग ईएमएफ से हम लोग उसके टाइम को वहाँ से कैलकुलेट करते थे कुछ मैथमेटिक्स यूज़ करके। फिर हमारे पास है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में क्या है, इसको हम लोग सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं, इसको हम लोग सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है, तो ये पीरियोडिक वाइब्रेशन से बेस्ड होती है, जो कि आपका सीजियम, सीजियम एक आपका एटम है, केमिस्ट्री में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो सीजियम आपका जो एक एटम, तो उस एटम में कुछ वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसमें वाइब्रेशन होती थी, जैसे सपोज कि हर 1 मिनट के बाद, या हर 2 मिनट के बाद, या हर 1 सेकेंड के बाद, जो भी है, तो उसके बाद वो वाइब्रेशंस होती थी, तो उन वाइब्रेशंस को वहाँ से चेक करके या कैलकुलेट करके वो लोग वहाँ से टाइम को निकालते थे, तो उससे उन्होंने एक क्लॉक बनाई थी, तो उसको उन्होंने एटॉमिक क्लॉक बोला। और ये आज तक की सबसे एक्यूरेट क्लॉक है, तो इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। तो अभी तक की सबसे एक्यूरेट क्लॉक यह है सीजियम क्लॉक, या फिर एटॉमिक क्लॉक ही बनी है। ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि एक साल में थ्री माइक्रो सेकेंड्स से भी कम इसमें जो है वेरिएशन आता है। जैसे हम लोग की जो घरों में क्लॉक लगी होती है, तो धीरे धीरे देखते हैं कि उसका वो काफ़ी सारा वेरिएशन आ जाता है टाइम में, सेकेंड्स में या मिनट्स में, धीरे धीरे करके, ठीक है।
बट जो एटॉमिक क्लॉक बनी है वहाँ पे देखा गया कि दो एटॉमिक क्लॉक के बीच का जो डिफरेंस था वो 3 माइक्रोसेकेंड से भी कम में था वहाँ पे, जो कि आज तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो दूसरा आपका है रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग मतलब ये होता है कि दिस टेक्निक इज़ यूज टू मेजर द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे होते हैं रॉक्स हैं या अर्थ का कोई भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनका सबका हम एज पता करते हैं यहाँ से कि कितनी पुरानी रॉक है, पत्थर है, ठीक है, अर्थ कितनी पुरानी है या समुद्र का पानी कितना पुराना है, ये कोई भी चीज़ ऐसी कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ से हम उनकी एज को पता करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग से। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी वहाँ से एज पता करते हैं कि ये मिनरल कब का बना हुआ है, कोई एलिमेंट है कब का बना हुआ है, इस टाइप से। एक आपका कार्बन डेटिंग भी होता है, ठीक है, तो कार्बन डेटिंग काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो कार्बन डेटिंग से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पता कर पाते हैं, किसी भी चीज़ के एज को वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है वहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल को पढ़ाया है। ओके स्टूडेंट्स।